मेरे सहयोगी आशुतोष असम मिजोरम विवाद को लेकर ग्राउंड पर ही मौजूद हैं। असम की तरफ से बंद जैसे हालात हैं, तो कैसे मिजोरम तक सामान पहुंच रहे हैं, उनकी एक खास रिपोर्ट देखिए। हम इस समय त्रिपुरा की सीमा पर हैं और चूंकि असम और मिजोरम के बीच में जितनी सीमाएं हैं, असम के सभी जिलों पर ब्लॉकेट लगा दिया गया है और अब ऐसे में मिजोरम का दाना पानी असम से बंद हो गया है। लेकिन नॉर्थ त्रिपुरा में इकलौता बॉर्डर है जो मिजोरम को जोड़ता है, यहाँ से ही अब उनकी सारी रसद जारी है। आगे आप देख पा रहे हैं, ये बहुत पतला ब्रिज है, बहुत छोटा सा ब्रिज है। यहाँ पर एक एक करके जो तेल के टैंकर हैं, इंडियन ऑयल के टैंकर हम देख पा रहे हैं जिसमें डीजल और पेट्रोल की सप्लाई हो रही है। साथ ही पीछे अगर आप देखें, लंबी गाड़ियों का सिलसिला है। ये जो गाड़ियां आप काफिला देख पा रहे हैं, ये लंबा सिलसिला इसलिए है क्योंकि मिजोरम को दाना पानी, सब्जियां, अनाज, तेल, ये पेट्रोल के बड़े बड़े टैंकर, इन सब को अब जाने के लिए, ताकि राज्य में कहीं से क्राइसिस ना हो, त्रिपुरा पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच में यहां से उन्हें रास्ता दिया गया है। कितने दिन से पहुंचा रहे हैं सामान? तो कल से लोड किया था, कल लोड किया था। अच्छा, और आज लेके जा रहे हैं वहाँ पे? आप पहले भी ले जाते थे यहाँ से या फर्स्ट टाइम आया हूँ? फर्स्ट टाइम जा रहे हैं यहाँ से लेकर। कितना सामान है? जैसे क्या बोलते, थोड़ा है या ज्यादा है? थोड़ा है। अच्छा। अंडरलोड है। ये ब्रिज पार करके ताकि फिर वो मिजोरम की सीमा में प्रवेश कर पाए, यानी जैसे ही मैं ये ब्रिज पास करता हूँ उस पार मिजोरम की सीमा शुरू होती है और अब जरूरत का जो सारी सप्लाई है इस ब्लॉकेट के बीच में, इकलौता बॉर्डर ये त्रिपुरा है जहां से सप्लाई जा रही है। फिलहाल त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा पर संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक। 26 जुलाई को सिलचर में और खासकर जो असम मिजोरम बॉर्डर पर जो घटना हुई थी, उसका जो रिएक्शन है वो अब दूसरे इलाकों में दिखने लगा है। हम करीमगंज जिले में हैं और मेरे ठीक पीछे जो बोर्ड है उस पर लिखा है वेलकम टू मिजोरम, यानी ये असम और मिजोरम की सीमा है और अब जो ब्लॉकेट है, इकोनॉमिक ब्लॉकेट मिजोरम के लिए, वो लगभग सभी सीमाओं पर देखने को मिल रहा है। यहां पर भी देखिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं। ठीक सामने स्थानीय लोगों का आरोप है कि मिजोरम की जो IRB है, वहां की जो पुलिस है, वो बंकर्स बना रही है और आगे ऊपर भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन करके अपने जो है अपने लिए इस तरह के कैंप बना लिए। इसके साथ साथ वो जो दूसरे इलाके हैं वहां पर भी टेम्पररी बंकर्स बनाए जाने लगे हैं। अब ये ब्लॉकेट लगाया गया और क्यों लगाया गया है, ये स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर अलाल। अलाल, ये क्यों लगा रहे हैं और कौन लगा रहा है ये ब्लॉकेट? ये देखिए, हमारा सेफ्टी के लिए लगा रहा हूँ। आगे 3 किलोमीटर पहले एक ये लगाया, बैरिकेड लगाया हुआ है। ये पब्लिक की तरफ से लगाया है कि हम लोग, असम का 6 जवान शहीद हो गया, उसके साथ एक सिविलियर एक शहीद हो गया। ये ऐसा, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उन लोगों का जो एक्टिविटी है वो कभी भी, मतलब हम लोगों को वार कर सकता है, ऐसा एक्टिविटी लगता है। तो हम लोग ने आके पब्लिक आके इधर, मतलब ये कर रहा हूँ, उनको मतलब कोई सामान उमान नहीं जाना। उनकी ओर से भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है? उनकी तरफ से मतलब डेली हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और यहाँ जो हम लोग आप जगह पर खड़ा है, ये एक्चुअली डाउन है, उन लोग ऊपर में पूरा मतलब ये बना हुआ है, सेंट्री पोस्ट बना हुआ है, चारों तरफ से गड्ढा खोद के बना हुआ है। आगे आप देख सकते हैं ऊपर में भी ऐसा है। गड्ढा क्यों खोदा है? गड्ढा खुदा है उनका सेफ के लिए खुदा है, उनको मतलब वार करने के मूवमेंट में है, ऐसा ही लग रहा है। और कभी भी देखो कोई हमारा ऑफिसर आ जाता है तो उन लोग मतलब ऐसे मतलब LMG लेकर पूरा रेडी हो जाता है। हम लोग पब्लिक यहाँ पे, मैं रहता हूँ, ये आपने देखी है LMG लेकर? पूरा गान वन पूरा सिपाही सुबह ही मतलब पूरा टीम आता है। उन लोग हम लोगों को ये करा रहा है कि डरा रहा है या अपना कॉमेडी कर रहा है, ऐसा लगता है। कोई मतलब पूरा ड्रामा करता है, इधर आता है खाना पीना खा के एंजॉय करके जाता है। हम लोग जैसे इधर पब्लिक भी है, पुलिस वाला भी है, बस नॉर्मल। हम लोग तो यहाँ से, यानी जो सामान अब मिजोरम जाता था इस रास्ते से, अब वो नहीं जा पाएगा? वो पूरा बंद है, ये रोड से बंद है। जब तक हम लोगों ने मतलब जो 6 आदमी शहीद हुआ जवान, उसका समाधान नहीं मिला, उसका रियलिटी नहीं मिला, तब तक कोई सामान नहीं देंगे। त्रिपुरा से कैसे आवाजाही हो रही है, इस पर त्रिपुरा के SP का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हमने देखा कि असम की कई बॉर्डर्स हैं, वहां पर ब्लॉकेट हैं। यहां अब मिजोरम की जो सप्लाई है वो बढ़ी है या ये यूजुअल ट्रेड बॉर्डर है? ना, थोड़ी तो बढ़ी है। यहां पे ऑन एन एवरेज इतनी व्हीकल्स नहीं जाती थी, हेवी व्हीकल्स नहीं जाती थी। अभी मतलब जो ट्रेडर्स है, फॉर व्हाटएवर रीजंस दे आर प्रेफरिंग दिस रूट, सो कुछ ट्रेड बढ़े। एज यू कैन सी व्हीकल्स आर ह्यूज कॉनवॉय, या एक्चुअली so now people are preferring this route. I hope अभी जब तक things do not normalize in the other side of border से क्या क्या भेजा जा रहा है मिजोरम? Essential goods, food items, oil tankers are going. तो अभी तक तो यही सब जा रहे हैं। सौविक साहब, सिक्योरिटी के लिए आप किस तरह के अरेंजमेंट कर रहे हैं? फिर
सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, स्टेट फोर्सेज है, आर्म फोर्सेज है और पर्याप्त मात्रा में फोर्स है टू मेक श्योर दैट नथिंग एंड टूवर्ड्स हैपन. थैंक यू सौविक साहब.